नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? मैं हूँ फैक्टिनिज्म और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, बारिश का सीज़न आ गया है और मुंबई में तो बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है, इतनी कि वहाँ पे फ्लड अलर्ट जारी किया है। लेकिन मुंबई में हर साल इतनी बारिश क्यों होती है, क्या आप जानते हैं? नहीं तो आज हम ये सब जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मुंबई में पिछले कुछ दिनों में इतनी बारिश हो रही है कि बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। लेकिन वहाँ इतनी बारिश क्यों होती है? मुंबई एक कोस्टल सिटी है। मुंबई की तीन साइड में समुंदर और बीचेस है। सारे वर्षा ऋतु का संबंध समुंदर से होता है। लेकिन दोस्तों, ये भारी बारिश सिर्फ मुंबई में नहीं होती, बल्कि पूरे कोंकण बेल्ट या वेस्टर्न घाट्स में होती है। वैसे तो मानसून का सीज़न जून से सितंबर का होता है। इस सीज़न में नॉर्थ इंडिया में गर्मी होती है और साउथ इंडिया में ठंड होती है। इसकी वजह से नॉर्थ सबकॉन्टिनेंट में कम दबाव क्षेत्र बनता है और हिंदी महासागर से उच्च दबाव क्षेत्र बनता है। इसकी वजह से अरबी समुंदर से बंगाल के समुंदर तक हवा बहना शुरू होती है। ये हवा अपने साथ समुंदर की नमी भाफ ले आती है। दोस्तों, पूरा वेस्टर्न कोस्ट वेस्टर्न घाट्स नामक पहाड़ों से कवर्ड है, जो सूरत से कन्याकुमारी तक बिछा है। ये पहाड़ महाराष्ट्र में ऊंचे हैं और समुंदर के साइड में भी नुकीले हैं। मानसून के सीजन में बहुत सारी नमी इन वेस्टर्न घाट्स में आती है और बारिश के बादल बनाती है। जैसे मैंने बताया कि जून से सितंबर में तेजी से हवा चलने लगती है और ये बारिश के बादल साउथ से नॉर्थ की तरफ बहते हैं। लेकिन बीच में ये वेस्टर्न घाट्स की वजह से उनसे टकरा जाते हैं और बादलों की एक बहुत बड़ी दीवार वेस्टर्न कोस्ट पे लगभग 15 दिनों तक अटक जाती है। ये अटके हुए बारिश के बादल पूरे वेस्ट कोस्ट से भारी बारिश गिराते हैं। इसलिए मुंबई और पूरे कोंकण रीजन में भारी बारिश होती है, जो कि 10 से 12 दिनों तक लगातार हो सकती है। कभी कभी एक दो दिन में इतनी बारिश होती है कि बाढ़ जैसी स्थिति बनती है। अब आप सोचेंगे कि मुंबई में थोड़ी बारिश हुई तो भी बाढ़ आती है। तो दोस्तों, ये जानिए कि मुंबई तीनों ओर से समुंदर से घिरा है। बारिश के सीजन में जब हाई टाइड यानी भर्ती आती है, तब समुंदर का पानी बढ़ता है। बारिश का पानी बहाने वाली नालियाँ समुंदर से ही मिलती है। जब ये हाई टाइड या समुंदर उफान पर होता है, इन नालियों का पानी समुंदर में नहीं जा सकता और वो वैसे ही जमा होने लगता है और इस कारण बाढ़ जैसी स्थिति बनती है। ऊपर से प्लास्टिक का पॉल्यूशन, जिससे ये नालियाँ ब्लॉक हो जाती है। बहुत से जगहों पर कंक्रीट के रोड और कंक्रीट की ज़मीन, इससे पानी ज़मीन में भी नहीं समा पाता। इन सब वजहों से मुंबई में बाढ़ आती है। तो दोस्तों, इसलिए हमें सफाई रखनी चाहिए और प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में देखा कि मुंबई में इतनी बारिश क्यों होती है और क्यों थोड़े से बारिश से बाढ़ आती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमारा ये वीडियो इस मुंबई रेन में अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं।